गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम साइंस का लेसन फिफ्टीन लाइट स्टार्ट करने जा रहे हैं हमने अपनी ऑफलाइन क्लासेस में लाइट चैप्टर रीड आउट किया था और इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए थे तो मैं अब आपको इसके क्वेश्चन आंसर रिवाइज करवाऊंगी जिन स्टूडेंट्स ने नहीं कर रखे वो आप इसको नोट डाउन अपनी नोटबुक पे कर लेना ओके नाउ स्टार्ट देखो वट इज लाइट हमारा चैप्टर क्या है लाइट तो हम हमारा क्वेश्चन क्या है लाइट लाइट क्या चीज़ है लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव सेंसेशन ऑफ साइट लाइट क्या एनर्जी की फॉर्म है जो हमें क्या देती है सेंसेशन ऑफ साइट जो हमें दृष्टि प्रदान करती है एंड ट्रेवल इन ए स्टेट लाइट स्टेट पाथ और लाइट किस तरह ट्रेवल करती है स्टेट पाथ में ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती क्या द फिनोमिन ऑफ लाइट वैन ए रे ऑफ लाइट कम बैक इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग टू ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब लाइट जब ए लाइट की जब किन्ने किसी सरफेस से टकराकर उसी सरफ़ेस में वापस आती है ना तो उसको क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वट आर दी डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर। राइट देयर नेम अब कहता है जो मिरर होते हैं वो कितने तरह के होते हैं इनके नाम लिखिए देर आर थ्री टाइप ऑफ मिरर प्लेन मिरर कनके मिरर एंड कन्वेक्स मिरर वट इज प्लेन मिरर नेक्स्ट देखिए अब प्लेन मिरर क्या होता है ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन इज गोल्ड प्लेन मिरर जिसका जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो प्लेन हो इज गोल्ड प्लेन मिरर उसको हम कहते हैं प्लेन मिरर द इमेज ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट और प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो कैसी होती है वर्चुअल और इरेक्ट इरेक्ट मतलब सीधी ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वट आर दल मिरर राइट इट्स ट अब कहते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है इसकी टाइप्स लिखो अब स्फेरिकल मिरर स्फेरिकल नाम से ही पता लग रहा है मतलब स्पियर स्पियर क्या होता है गोला ठीक है तो अब देखते हैं क्या होता है स्फेरिकल मिरर दोज मिरर टिंग सर्फेस इज ए पार्ट ऑफ होलोस्फियर अब ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसका पार्ट होता है एक होलोस्फीयर होलोस्फियर मतलब खोखले गोले का उसको क्या कहते हैं स्फेरिकल मिरर देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं दो टाइप्स के कौन कौन से कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर ठीक है अगर आप लोगों से पूछा जाए टाइप्स ऑफ मिरर टाइप्स ऑफ मिरर कितनी होगी थ्री प्लेन मिरर कनके मिरर, कन्वैक्स मिरर। अगर आपसे पूछा जाए टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर तो स्फेरिकल मिरर की टाइप्स कौन कौन सी होगी कनके मिरर कन्वैक्स मिरर ओके नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ड्रो ए डायग्राम ऑफ ए कनके मिरर एंड कन्वैक्स मिरर। राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन दैम कहता है डायग्राम ड्रॉ करो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का और उनमें दो दो डिफरेंसेस बताओ सबसे पहले बात करते हैं कनकेव मिरर की अब कनकेव मिरर में देखो ये डायग्राम आपको शो कर रखा है मैंने अब इसमें देखो जो कव है कव के आउटर साइड पे ना डोड डोड के निशान दे रखे हैं तो ये क्या होता है इसका कनकेव मिरर का आउटर सरफेस पॉलिस्ट होता है ठीक है और अब कन्वेक्स मिरर में देखो कन्वेक्स मिरर का इनर सरफेस पॉलिश होते हैं इन अ, अंदर की तरफ पॉलिश कर रखे ना डोड डोड निशान इसलिए ठीक है ये इसमें डिफरेंस है अब बात करते हैं इनके डिफरेंसेस की ठीक है अब देखो इन कनकेव मिरर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम इट्स कनकेव सरफेस अब कनकेव मिरर में क्या होता है जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है वो कहाँ से होती है कनकेव सरफेस से कनकेव सरफेस अब कौन सा होता है जो इनर पार्ट होता है अंदर वाला ठीक है उसको क्या कहते हैं कनकेव सरफेस और उसी तरह कन्वेक्स मिरर में होता है कन्वेक्स मिरर में क्या होता है सरफेस कौन सा होता है आउटर साइड वाला ठीक है अब कहते हैं कन्वेक्स मिरर में देखो इन कन्वेक्स मिरर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम इट्स कन्वेक्स सरफेस मतलब कन्वेक्स मिरर के आउटर वाला पार्ट उससे होती है ठीक है लाइट की रिफ्लेक्शन अब नेक्स्ट पॉइंट देखो कनकेव मिरर का इट कैन फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज अब जो कनकेव मिरर क्या है दोनों इमेज बनाता है रियल और वर्चुअल दोनों तरह की और जो कन्वेक्स होता है इट कैन फॉर्म ओनली वर्चुअल इमेज कन्वेक्स क्या सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है ठीक है अब कनके मिरर की बात करते हैं इट इज गोल्ड कन्वर्जिंग मिरर मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं और कन्वैक्स मिरर को हम क्या कहते हैं मिरर मिरर नेक्स्ट क्वेश्चन ए ए इज कन्वर्जिंग मिरर एंड ए कन्वैक्स मिरर इज गोल्ड ए डिवर्जिंग मिरर कहता है कनके मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं और कन्वैक्स मिरर को हम डिवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं देखो मैंने डायग्राम शो कर रखे हैं देखो लाइट हमने कनकेम मिरर का बना रखा है और कन्वेक्स मिरर का बना रखा है अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ पहले कनकेम मिरर का ठीक है इसको क्यों हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं ये हमारा एक मिरर है तो हम बना रहे हैं पहले कनके मिरर ठीक है तो इसमें से हमने लाइट पास कर दी हमारी लाइट आ रही है ठीक है तो जब भी लाइट इस मिरर से टकराएगी तो ये वापिस आएगी सेम मीडियम में ठीक है इस तरह से ये जा रही है और ये वापिस आ जाएगी ठीक है ये इसी तरह इस पर यहाँ इकट्ठी हो जाती है लाइट की कहने और जहाँ ये इकट्ठी होती है इसको क्या कहते हैं एफ़ एफ मतलब फोकस पॉइंट ठीक है एफ को हम कहते हैं फोकस पॉइंट जब जिस मिरर में कनके मिरर में क्या होती है लाइट की किरणें इकट्ठी हो जाती है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर कन्वर्ज का मतलब होता है इकट्ठी होना ठीक है और अब बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की ये क्या हो गया हमारा कन्वर्जिंग मिरर ठीक है अब बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की कन्वेक्स मिरर कैसा होता है इस तरह का देखो ठीक है नो अब इसमें से भी हम लाइट पास कर रहे हैं इसमें क्या होती है लाइट जब इसके ऊपर टकराती है तो ये क्या होती है फैल जाती है उसी मीडियम में वापस जाके फैलती है डिवर्स हो जाती है लाइट इधर से पास की इधर से पास करी। ठीक है तो ये क्या कर रही है डिवर्स कर रही है लाइट की किरणें अलग अलग डायरेक्शन में तो फिर हमें ये ऐसी लगता है कि जैसे लाइट इस साइड से ना जाके बल्कि ये मिरर के पीछे से आ रही है तो हमें इस तरह से फील होता है ठीक है ये, ये. मतलब फिर हमें कैसी लगती है कि लाइट इस साइड से ना जाके बल्कि मिरर के पीछे से आ रही है तो यहाँ इसका फोकस पॉइंट बन जाता है इसलिए ठीक है तो ये होता है डिवर्स अब ये क्या लाइट की किन्नी सारी क्या डिवर्स कर रही है इकट्ठी तो नहीं हो रही ना डिवर्स कर रही है ठीक है जैसे हम एक और ले, ले लेते हैं इसी में देखो जैसे ये भी क्या करेगी ऐसे डिवर्स कर जाएंगी कर रही है तो ये क्या शो करेंगी कि ये पीछे से आ रही है मिरर के ठीक है तो ये क्या होगी डिवर्स करना तो इसलिए इसको क्या कहते हैं डिवर्जिंग मिरर ओके समझ लग गई देखो नेक्स्ट देखो ए कंकेव मिरर कन्वर्स ए बीम ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस देयरफॉर फॉर इट इज कोल्ड ए कन्वर्जिंग मिरर क्या कहते हैं मिरर क्या कहता है लाइट्स को कन्वर्स कन्वर्स मतलब इकट्ठी कर लेते हैं लाइट की किरणों को इसलिए हम क्या कहते हैं इसको कन्वर्जिंग मिरर ऑन ओन दर ए डिवर्जिंग मिरर जो कन्वेक्स मिरर होता है वो क्या कहता है लाइट की किरणों को क्या कहता है डिवर्स करता है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं डिवर्जिंग मिरर तो आज के लिए हमारा इतना ही सफिशेंट है बाकी का हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे थैंक यू